ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं हैं, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने बड़ी कृपा की, दास ने घर पे माता जी से चर्चा की, उनको सत्संग मिलाया। एक दिन उनको भी चोरी घर से नाम दिलाया, परमात्मा बंदी श्री रामपाली महाराज ने उनको शरण में लिया। वो भी 3-4 महीने ऐसे चलते रहे, तो परमात्मा ने दिया कि जब दास को 3-4 महीने हो गए, परमात्मा ज्ञान हुआ, तो मैंने घर पर बता दिया पिताजी को, मैंने भी वहाँ से उपदेश ले लिया है। तो वो कहते भी ऐसे कैसे भी मान लो वो ज्ञान भी सही रास्ते पर आया। मैं भी आपका रास्ता सही नहीं है, पुस्तक थी गहरी नजर गीता में, उसमें परमात्मा का उनकी राज स्वामी की फोटोकॉपी लगी हुई थी जो सावन सिंह महाराज ने अनुवाद कर रखा था। सोए गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का वेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। मैंने उनसे पूछा आपको ये दो, वो कह रहे हैं उन्होंने ये अनुवाद कर रखा था कि ये दो अक्षर पारब्रह्म में हैं, तो आपको पारब्रह्म में आपको एक अक्षर, एक ने उन्होंने अनुवाद किया था, एक अक्षर ने दुनिया बनाई, एक ने सतलोक बनाया, वो आपके अंदर हैं, वो पारब्रह्म में जाके मिलेंगे। मैं भी आपको ऐसे दो अक्षर बताए उन्होंने पारब्रह्म में मिलेंगे, हमें नहीं बताए। फिर एक अक्षर बारे में बता रखा था, वेद कते सिमरत सब साथ इन पर मुक्त ना हुए, एक अक्षर जो गुरमुख जापे तिस की नमस होई। मैं एक अक्षर आपको बताया नहीं, हमें तो नहीं बताया। मैंने उनको फिर इस तरह बताया भी ये पूर्ण परमात्मा पूरे संत की तरफ ये इशारा है, वो संत रामपाली महाराज ही हैं। तो वो कहते ना, कहते मैं तेरे को किससे मिलवाऊंगा, मैं मेरे को किसी बात परमात्मा की दया ज्ञान होगा, मैं मेरे को किससे मिलवा दूँ, आप किसी प्रीचर से मिला दो चाहे, इतनी बंदी छोड़ की दया हुई। तो लेकिन वो कहते ठीक है, अपना तू अपना लगा रहा है, मैं अपना, उन्होंने ये कह दिया। फिर कहते तू अपना लगा रहा है, उन पता चल गया। धीरे धीरे जी परमात्मा की दया से वो जी चैनल चेंज कर देते थे, जब दास ने घर पे बताया नहीं था, मैं सत्संग सुनने लगता तो चैनल चेंज करते, ये ना चला कहते ये तो निंदा करते हैं राज समय सभी की निंदा। मैं भी जब परमात्मा की दया से उन्हें बता दिया, तो मैंने कहा भी आप ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, दोनों सुनो सही आपको भी। फिर उन्होंने लगातार सुनते रहे उनको, यानी कि अंदर का जो गंद भरा हुआ था वो निकलता रहा ज्ञान अड़ंगा बार। तो 4-5 मिनट उन्होंने सत्संग सुनाई, 5 मिनट लगातार पिताजी ने, तो उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया। राज स्वामी जो सेंटर में जाया करते थे, उनके फ़ोन आते भी क्यों नहीं आते, बाना लगाते काम है कोई जैसे भी, तो उधर जाना छोड़ दिया। लेकिन इधर भी नहीं आ रहे थे, मान बढ़ाई की तरफ भी लोग क्या कहेंगे। मैंने को कहता हूँ सत्संग तो सुनो, लेकिन एक बार क्या हुआ, दास पहले आ गया, जैसे वीरवार आ गया, समागम था, मार्च की बात है 2012 की। तो माता कहते मैं अकेली कैसे हूँ, मेरे को भी लेके चलो भी वहाँ चलो। इस बहाने से पिता यहाँ आए, यहाँ से बक्स परमात्मा का सत्संग सुना और चर्चा हुई, ज्ञान चर्चा हुई यहाँ पे, और भक्तों ने मिलाया, और अगले सत्संग में परमात्मा की उनकी भी रजा हुई, उन्होंने भी नाम उपदेश ले लिया। प्रथम तो ये हमें ये मोक्ष का मार्ग बंदी श्री रामपाली महाराज ने दिया, और दास को इससे बड़ा लाभ और नहीं चाहिए, इस जन्म मन के रोग से जन्म मन के रोग से दास और कोई चाहिए नहीं जी, कुछ बंदी श्री ने ऐसी दया कर दिया, ज्ञान दे दिया, मोक्ष चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस बंदी छोड़ ने बड़ी दया की, संसारिक लाभ भी दिए। दास को 10-12 साल से पेट खराब था, इतनी मिर्च नहीं खा सकता था, किसी के घर जाते, रिश्तेदार भी कहीं बाहर जाते, अलग से सब्जी बनती, सभी के मजाक भी कोई उड़ाते, लेकिन परमात्मा की ऐसी राज हुई, चाहे आज कोई कच्ची हरी मिर्च में आके प्लेट दर्द में वो खा जाऊँगा, इतनी बंदी छोड़ ने मेरे की। पिताजी के अभी वहाँ जब रास में पंथ में जुड़े हुए थे, उनकी हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई, फिर हरनिया होगी, उनका ऑपरेशन हुआ, यानी दुर्गति थी बंदी छोड़ की रह से, उनके अब दोबारा हरनिया होगी,
एक दो किलो पेट में जान कि इतना बड़ा हो गया था, और परमात्मा की दया से वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ना उन्होंने आज तक कोई दवाई ली। बंदी छोड़ सतग्राम पाली मारे से उन्होंने प्रार्थना की तो परमात्मा ने कहा ठीक हो जाएगी। परमात्मा वचन हुआ, परमात्मा के वचन में ताकत है, वही उनकी हरनियाँ भी बिना किसी दवाई के ठीक होगी। ये लाभ हुआ जी, प्रथम मेन लाभ तो यही है कि ये मोक्ष का मार्ग मिला जी। सर जैसे पहले आप गुरुद्वारा जाते थे, आपकी श्रद्धा थी गुरुद्वारे में, और आपके जो पेरेंट्स थे वो राजस्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और आप भी उनके कहने से वहाँ जाते थे, तो सर आपने वहाँ से फिर छोड़ दिया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और आपको भगवान भी मिला और भगवान को प्राप्त करने का मोक्ष मार्ग भी मिला, मुक्ति का मार्ग भी मिला और भगवान भी मिला। तो सर भक्त समाज को जो आज भी राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं, उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई सबसे पहले राधा स्वामी पंथ को, जो काल का बहुत बड़ा पंथ है, जितने इतना बड़ा फैलाव बना ले उसे इतनी ब्रांच निकल गई हैं, सच्चा सौदा दिनोद में या जय गुरुदेव मथुरा में या दिल्ली में कृपाल मिशन, इतनी यानी कि काल का ये बहुत तगड़ा बड़ा पंथ है, इसमें ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। सतलोक सचखंड ये सतलोक सचखंड में प्रकाश बताते हैं प्रभाव निराकार, जबकि हमारे चारों वेदों में प्रमाण है परमात्मा सह शरीर है, उन्होंने कबीर है, और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक देव जी, गरीबदास जी महाराज जी, मलोकदास जी, दादू साहब जी, गीता साहब, इन सभी महापुरुषों ने प्रमाण किया है कि परमात्मा सह शरीर है, उनका नाम कबीर है। और उन जब सभी महापुरुषों ने जो नाम जप किए, जैसे मैं गुरुद्वारा रहता था तो मेरे को यानी कि मैं तो मेरे को वो हो गया भी नानक देव जी का, जैसे वो जो उन्होंने नाम जाप किया गुरु जी ने उनकी जन्म साखियों में से गुरु ग्रंथ साहब में सभी में प्रमाण कर दिया कि उन्होंने यही नाम जाप किया था, जो सतनाम हमें दिया जाता है, जो दोक्ष का वेद जो पूर्ण संत बताते हैं, संत राम पाली महाराज ने बताया है, वो नाम उपदेश हमें आज मिल रहा है सभी पंथों का, यानी कि जितने महापुरुषों को मिले सभी ने कहा कि परमात्मा कबीर है, उन्होंने यही नाम जाप किया, तो इसी से यानी कि मोक्ष होगा, यही मोक्ष का मंत्र है। तो दास यही कहना चाहेगा कि राधास्वामी पंथ से कि परमात्मा सहशीर है, दास राधास्वामी पंथ को ये संदेश देना चाहता है भी उनका जहाँ से ये पंथ का निकास हुआ, शिवदयाल जी जिनको ये राधास्वामी कहते हैं, स्वामी महाराज आगरा से, वो पांच नाम का ये जाप देते थे और उन्हीं से आगे अनेक ब्रांचें निकली, और तुलसीदास आथरस वाले जिनसे ये मानते हैं कि ये ज्ञान उनके पास आया स्वामी महाराज, प्रथम तो उनकी एक पुस्तक है, तुलसीदास आथरस वाले की पुस्तक है गटर माइन, जिसमें लिखा कि पांचों नाम काल के जानो, यानी कि जो राधास्वामी पंथ के जो नाम पांचों नाम हैं वो काल के हैं, और उन्होंने अपनी आगे वर्णन किया है, एक सतनाम है और एक सारनाम है, यानी कि उनसे अलग वो नाम है सतनाम और सारनाम जिससे मोक्ष होगा। तो जो पांचों नाम जो स्वामी महाराज जाप करते थे, जो इनके प्रवर्तक माने जाते हैं राधास्वामी पंथ के शिवजाल जी, उन्होंने ये पाँच नाम जाप किए, उनसे उनकी क्या दुर्गति, गुरु ने खोल के दिखाया, उनकी पुस्तक है जीवन चरित्र स्वामी महाराज, उसमें ये भी क्लियर है कि उनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने किसी से परमार्थ का उपदेश नहीं लिया था, और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं पूछो भी प्राण, तो यानी कि उन्होंने बिना गुरु के उन्होंने पांचों नाम काल जाप किए, उनसे उनकी जीवन चरित्र में पुस्तक में है कि वो भूत बने, अपनी शिष्य बुक्की में बोले और वैसे ही हुक्का पीते थे उन बुक्की में प्रवेश करके, और किसी ने अर्ज करनी होती उनके माध्यम खड़े होकर बुक्की से अर्ज करवाते, अपना सवाल पूछते थे, वो आगे से जवाब देते थे, यानी कि जब उनके प्रवर्तक राधास्वामी पंथ का जहाँ से निकास हुआ वो खुद भूत बने, जो आज वहाँ फंसे पड़े हैं करोड़ों अरब लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे करोड़ों लोग, तो उनका क्या होगा, यानी कि परमात्मा एक एक प्रमाण देके, जब पिताजी भी जैसे चैनल चेंज करते थे वो कहते भी ये सबकी निंदा करते हैं, मैं भी अब देखो आपकी पुस्तकों से दिखा रहे हैं देखो जी स्वामी हमारे खुद भूत बने, उनका गुरु नहीं था ये हुक्का पीते थे, आपकी पुस्तकों से सारा ज्ञान दिखाया जा रहा है, कोई गुरु जी बाहर से नहीं दिखा रहे, यानी गुरु ने पूरा प्रमाण के साथ दिखाया कि वो खुद भूत बना और निश्चय बुक्की में बोला। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो भी राधास्वामी से जुड़े हुए हैं कि जो उनके प्रवर्तक की ये दशा हुई है तो आपका क्या होगा, आप पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जगत में विश्व में एक ही गुरु हैं पूर्ण संत रामपाल जी जगत गुरु तथा संत रामपाल जी महाराज, उनकी शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए, और मोक्ष का मार्ग सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है और कहीं नहीं है। और मैं जो सिख समाज है उनको कहना चाहूँगा, जैसे हम वहाँ जाप करते थे सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, तो ना सतनाम जाप का है ना वाहेगुरु, वो तो परमात्मा जब गुरु नानक देव जी को ऊपर सतलोक सचखंड ले गए थे, तीन दिन वहाँ उनको सारा दिखाया, तो वहाँ जाके उनके जाकी देखी, गिरिदास महाराज की वाणी है कि जाकी दे कबीर की नानक कीती वाह सिखों के गल पड़ी कौन छड़ावे, था यानी कबीर साहब का नज़ारा जाकी देख कर उन्होंने कहा था वाह गुरु, तो उनको कहा था परमात्मा ने कि मैं आपको सतनाम बनारस काशी में आया हूँ वहाँ पर आपको सतनाम दूंगा। तो जब नीचे गुरु नानक देव जी को छोड़ा तो उन्होंने पहली उदासी उनकी बनारस काशी की तरफ दी थी, जब वो बनारस काशी
में पहुँचे, वहाँ रामानंद जी का आश्रम पूछा, तो वहाँ जाके देखा वही रूप जो सतलोक सचखंड में देखा। तब उन्होंने यानी कि फिर उन्होंने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश एठवा ठगी देश खरा सेना बोता वारे ताणकुर बुरा करता। तो यानी कि उनको फिर वही जो सतनाम जो आज बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज हमें आज जो प्रदान कर रहे हैं, वो उन्होंने वही नाम जाप किया उस टाइम, उनको वो नाम मिले, सतनाम मिला उनको। उसके बाद आदेश नहीं था कि आगे वो नाम जाप आगे वो सतनाम दें, क्योंकि परमात्मा उस टाइम अनपढ़ता बहुत थी, परमात्मा ने टाइम फिक्स किया था कि जब कलयुग की पिछली पीढ़ी आएगी, पढ़ी लिखी पीढ़ी आएगी, वो उस ज्ञान को समझेगी। अब ये ज्ञान अब इसका यानी कि ज्ञान का अपने आगे किसी को नाम ये नाम प्रदान नहीं करना, इसकी वाणी में अपने प्रकट कर दो, लेकिन ये ज्ञान आगे नहीं देना। कबीर साहब ने टाइम फिक्स किया था, वही टाइम यानी कि कहा था कि जब कलयुग 5505 भी जाएगा तब यानी कि ये वचन साचा होगा, तब यानी कि ये ज्ञान दोबारा प्रकट होगा। तो उसमें लिखा था कि 12 पंथ जो गिरिदास कबीर साहब में प्रमाण है कि 12 पंथ गिरिदास मारे गए हैं, उनमें आगे जाके मैं खुद आऊँ। कबीर साहब खुद कह गए थे कि मैं 12वें पंथ में आ गया कि मैं खुद आऊँगा। तो वो बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब का ही अवतार हैं, खुद कबीर साहब आए हुए हैं, उन्होंने जो वचन किया था उसके आधार पर वो आए हुए हैं और हमें सतलोक सचखंड लेने के लिए आए हुए हैं। तो 6 माह से यही मेरी प्रार्थना है, जितने मेरे भाई हैं या राव स्वामी जितने भी पंथ हैं, कि पुण्य परमात्मा आए हुए हैं और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आइए और अपना मोक्ष करवाइए। और हिंदू समाज के लिए मैं कहूँगा कि उनके भगवान आए हुए हैं, प्रभु आए हुए हैं, और मुसलमानों के अल्लाह ताला आए हुए हैं, और ईसाइयों के गोड़ आए हुए हैं ईसाई भाइयों के, और सिखों के रब वाहेगुरु इस धरती पर सतलोक आश्रम बरवाला में आए हुए हैं। मानव बड़ाई को छोड़ के अपना यहाँ से नाम दान लीजिए और मोक्ष का मार्ग ग्रहण कीजिए, अपना कल्याण करवाइए जी। धन्यवाद आपको बहुत बहुत सर। अभी आपने उन श्रद्धालुओं के सत्संग अपने अनुभव सुने जो कि सतलोक आश्रम बरवाला से उपदेश प्राप्त होने के बाद परमेश्वर कबीर जी की रजा से उस समर्थ की कृपा से इनको कैसे सुख हुए, कैसा अनुभव हुआ। तो पुण्यात्माओं, आप का कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरा जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे, आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है। लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे, जिसको ज्ञान नहीं है भटक रहे हैं उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूँ पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे आपका तुम्हारा वचन मोह लग गए कड़ुआ, आप जो कह रहे हो ना अपने आप को मैं सबका मार्गदर्शक हूँ गुरु हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजा जोई, हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुंचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं और। एक जीव को काल के उस पाले ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करें। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ गए कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करें, आगे चल पड़े, जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा,
पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस पवित्र स्थल पर पहुंच पाए और सत्संग के अंदर आने से इस भूले हुए प्राणी को वो यथार्थ उद्देश्य जीने का जो वास्तविक टारगेट है उद्देश्य है लक्ष्य है उसका ज्ञान होता है। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबारे भूली वस्तु लखा वही ही है सतगुरु दातार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार और वो भूली वस्तु याद दिलावें है सतगुरु दातार। जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं सुना था हम आम संसार की ही तरह उन्हीं को देखा देखी माया का संग्रह करना उद्देश्य था। बहुत ज़्यादा धनवान बन जाऊं ये टारगेट था और बनना बनाना वही था जो मस्तिष्क में लिखा हुआ है और धनी बनने के उद्देश्य से ना जाने कितने उल्टे सुलटे काम किया करते थे। माया उतनी ही मिलनी थी जितनी भाग्य में पूर्व जन्म में हमने कोई शुभ संस्कार कोई शुभ कर्म किए थे उनके आधार से ही आपको सब कुछ मिलना था। उसको प्रारब्ध कहते हैं मिलना था आपको प्रारब्ध। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति धनी बनने की चेष्टा में ना जाने कितने गलतियां कर बैठता है। इधर उधर से कोई पैसा इकट्ठा भी कर लेता है कोई रिश्वत लेकर मिलावट करके किसी से छल कपट करके तो वो पैसा तो रहेगा नहीं क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं है। उसके कारण आपको वो पाप जो इकट्ठे किए उस धन को संग्रह करने में संचित करने में वो आपके पास परमानेंट रह जाएंगे और वो धन वो माया वो संपत्ति नहीं रहेगी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम इसी भाग दौड़ के अंदर मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते थे और मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य था उससे वंचित रह जाते थे। कबीर साहब कहते हैं राम नाम कड़वा लगे मीठे लगे दाम दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हमारे को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं लेकिन हमें सत्संग में आए बिना जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचते तो हमारे हृदय में वो चोट नहीं लगती जिससे हम सतर्क हों। तो सत्संग में आने से इस प्राणी को जो ये गलतियां करता है उसका आभास होता है कि सचमुच ये बहुत भयंकर भूल बनी हमारे से और आगे वो चेष्टा करना प्रारंभ कर देता है कि हे भगवान आगे गलती करूँगा नहीं। लेकिन जब तक परमात्मा का सहारा आपको नहीं मिलेगा तो आप गलतियां करने से रह भी नहीं सकते। कारण क्या है जैसे हमारी परंपराएं इतनी खराब बन गई हैं कोई लड़की का विवाह करना चाहता है हमारा सिर घूम गया लड़के वाले का वो सोचता है कि लड़की वाले को लूट लूं
और बहुत ज़्यादा धन लूँ, अच्छा कोई बढ़िया लोग दिखावा, जो भी कोई अच्छा दहेज प्राप्त करूं। अब कन्या तो उसके भी है, जिसके लड़का उसके लड़की भी होगी एकाद को छोड़कर, तो उस समय वो भूल जाता है कि कन्या तेरे घर भी है और आपने भी इसका विवाह करना है। यदि उस सामने वाले की तेरे जैसी नियत होगी तो कैसे विवाह कर पाओगे इस बेटी का। तो इस प्रकार हम ये परंपराएं हम इतनी खराब कर चुके हैं, अब हमारे बस से बाहर होगी, एक रूटीन बन गया। तो भगत ने सबसे पहले इन कुरीतियों से उल्टा हटना पड़ेगा, आपने बैक आना पड़ेगा। समाज को देखकर आप नहीं जी सकते और ना आप भक्ति कर सकते, और इस अनमोल कार्य से आप वंचित रह जाओगे। आप जी ने विवाह करना है बिल्कुल सिंपल वेत साधारण, एक उदाहरण बनाओ समाज के अंदर, संसार के अंदर। देखो ये परंपराएं हमने बनाई हैं और हम इसको फिर रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, सारा संसार सुखी होगा। अब यहाँ विवाह करते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहले दिन लड़के वाले खूब नाच रहे हैं, माच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, धरती तोल रखी है। अगले दिन वो दूल्हा साथ में उसके 5-7 साथियों समेत दुर्घटना के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बारात जा रही थी, अब पहले दिन तो डीजे बाज रहे हैं, सब नाच रहे हैं कंजरों की तरह, बहन भी, बेटियां भी, माँ भी, बाप भी, सरेआम। अगले दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जिसके ऊपर वो नाच और माच रहे थे। अब टक्कर मार कर रो रहे हैं, अब चाट ले उस डीजे ने, सिर पर धर ले उस दहेज ने। तो पुणात्माओं, ज्ञान बिना दुखी हो रहे हम, और ज्ञान परमात्मा बिना हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम गलत लोक में रह रहे। ये लोक बहुत गंदा है, या कोई भी दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं, और ये काल की प्रेरणा से है। जब हम भगवान की शरण में आएंगे हमें सद्बुद्धि मिलेगी और तब हम भगवान से डरेंगे। जैसे हम हिंदू समाज में उत्पन्न हुए और जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को हम, श्री विष्णु और शिव जी की तो हम पूजा करते ही थे, ब्रह्मा जी को वैसे ही नकलियों ने रिजेक्ट कर रखा था उनकी अपनी सोच से। फिर भी जब आप सृष्टि रचना पढ़ते हो, परमात्मा कबीर जी की बताई हुई जो दास ने आपको वर्णन करके सुनाई है, उसके अंदर आप देखते हो कि जब दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह किया, उसमें ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, और ना कोई वहाँ पर लड्डू जलेबी बकवाद कर रखी थी। सिंपल वे से कह दिया, बेटा या तेरी पत्नी, इसका नाम ब्रह्मा जी को कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम सावित्री है, आप जाइए अपना घर बसाइए। विष्णु जी से कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम लक्ष्मी है, जाओ बेटा अपना घर बसाओ। और तीसरे से कहा कि इसका नाम उमा है, और जा शंकर बेटा अपना घर बसाओ। उससे हम इतना सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये बाद में तो शिव जी की बरात और भूत और प्रेत ये कोरी बकवास दिखाई जाती है। तो हमने अपनी बेटी को पराई करना है, वचन से होता है, और भगवान का जो नाम मंत्र आपको मिल जाएगा बेटी को या बेटे को, उस जैसा दहेज इस धरती पर नहीं है। परमात्मा की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा, सदा सुखी रहेगा, भगवान उसके साथ रहेगा। तो अपने इस बात का डर बना रहना चाहिए कि आज हम किसी से दहेज लेते हैं तो ये हमारे ऊपर कर्ज बन गया, और इस कर्जे को हमने देना पड़ेगा। कभी भैंस बनोगे उसकी, लड़की वाले के अगले जन्म में कहीं ना कहीं, या गधा बनोगे या खच्चर बनोगे, उसका पूरा पाई पाई देना होगा। गरीबदास साहेब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का, एक एक नए पैसे का हिसाब आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पुण्यात्माओं, भगवान से डर के आपने चलना पड़ेगा, समाज से बिल्कुल बाइक
काट करना पड़ेगा। बाइकाट का मतलब ये है कि उनकी परंपराओं में सहयोग नहीं लेना ना देना और साधारण तरीके से रहना। ठीक, आपके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, चाहे कोई मकान भी बना लो, कैसा ठीक सा बना लो, कोई कार भी ले लो, मोटरसाइकिल भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आज कलयुग है। तो कहने का भाव ये है कि यदि भगवान की दया है तो लीजिए, नहीं तो भगत को जीने के लिए अपने परमात्मा कबीर जी की उस जीवन शैली पर नज़र लगानी चाहिए। सारे ब्रह्मांडों का निर्माता, सभी आत्माओं के उत्पन्न करने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, सबको सबका पेट भरने वाला, राजा को राज देने वाला, सेठ को धन देने वाला, वो स्वयं एक झोपड़ी में रहा करते थे। सारे ब्रह्मांडों का पेट भरने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, असंग ब्रह्मांड का संचालक बनारस के अंदर एक झोंपड़ी में रहा करते थे। तो परमात्मा कहा करते थे कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए। हमने एक साधारण जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। संसार की तरफ देखकर हम कभी भी भक्ति मार्ग में इस सफर पर नहीं चल पाएंगे। तो परमात्मा, परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार एक भूमिका करके गए थे कि भाई मैं कैसे रह रहा हूँ, और भले ही कोई कोठियों वाले हैं जिन्होंने 10-10 प्लाट लेकर खरीद रखे हैं, सिर पर धर कर ले जाएंगे, उनको अगले दिन मृत्यु हो जाती है, वो प्लाट वहीं रह जाते हैं। आप कहीं चूहा बनकर उन्हीं प्लाटों में बिल खोद कर रह रहा होगा। तो ये बातें, इस ज्ञान के आधार से आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे, अन्यथा फिसल जाओगे इस रपटीली मार्ग से। तो हमने जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसको आधार बनाओ। तो पुण्यात्माओं, पहले दिन डीजे बजाते हैं, नाचते और गाते हैं, अगले दिन दुर्घटना हो जाती है, या महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद कोई ना कोई और दुर्घटना घट जाती है। तो इन सब बातों को, भले ये एकाध घटना है, लेकिन हमने इसको ये मान के चलना पड़ेगा कि यह बिजली कभी भी गिर सकती है। जिस लोक में रहकर हम मस्ती मार रहे हैं, यो समय मस्ती मारने का नहीं है, जन्म सुधारने का है, कर्म सुधारने का है, परमात्मा की भक्ति करके अपना जीवन सफल करने का समय है। तो इसके विषय में नानक साहिब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हा ते सिरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, परमात्मा प्राप्ति के उपरांत वो ऐसे रहा करते थे मायूस से, क्योंकि वो उस स्थान को देख चुके थे जहाँ पर हम पहले रहा करते थे। एक परम सुख में सथल है और हम उसको छोड़कर इस गंदे लोक में फंस गए थे। अब जिसने वो स्थान देख लिया, उसका मन यहाँ नहीं लगेगा, उसको तो ऐसा लगेगा जैसे तू गलत जगह फंस रहा है, कब वो समय आए, मेरे मृत्यु हो, परमात्मा मुझे ले चले उस लोक में। तो इसलिए वो हमेशा मायूस रहते थे, यहाँ का कोई भी सुख उनको सुख दिखाई नहीं देता था। तो उस समय तो एक दो भक्त जाते थे, उनसे कहा करते थे कि महाराज जी, आप हमें कभी खुश नज़र नहीं आते, आप मायूस मायूस से रहते हैं, इसका कारण बताइए। तो नानक साहिब जी ने कहा था, भाई ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सिरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। कि हमें पता है, ये मालूम है कि कभी भी बिजली गिर जाएगी, ना जाने किन कारणों से हार्ट अटैक हो जा, कोई और रोग के कारण मृत्यु हो जा, दुर्घटना में हो जावे, और यहाँ पता नहीं के बिजली गिर जा, जैसे उत्तराखंड के अंदर गए थे केदारनाथ का माथा टेकने और कल्याण कराने, और वो क्या हो गया वहाँ पर, एक सेकंड में
आराम से बैठे बतला रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई सोच रहा था, कोई विवाह की बातें कर रहा था, कोई भविष्य की प्लानिंग बना रहा था, ये बनाऊंगा वह कोठी बनाऊंगा। अरे एक मिनट में बादल फट गया, इतना भयंकर फ्लड आ गई कि सब कुछ बहा दिया, उनकी नामो निशान नहीं, काफ़ी लोगों का तो सौ भी नहीं मिले, मलबे के अंदर दब गए। तो पुण्यात्मा इसे लोक में अर नाचो गाओ और यहाँ की भविष्य की सकीम और ये कोठी बनाने की बनाओ तो भक्त नहीं हो, छींट नहीं लगी आपका भक्ति की। फिर तो नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पास आवे और जिन आते सरते मौत खुड़क दी। एक सेकंड का पता नहीं, कबीर साहब कहते ना जाने अगले सांस का आवण हो कि ना हो। तो उनको कैसा हंसा, वो क्या किस चीज पर हंसे। फिर उन्होंने पूछा क्या आप सदा ऐसे मायूस रहते हैं, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हैं। कहते नहीं, साध मिले सड साधी होंगी और विछड़ जाए दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जिसमें मेरे भक्त मेरे शिष्य जब वापस आते हैं सत्संग श्रवण करने के लिए और ये यों के यूं आ जाते हैं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि पहले स्टार्ट में बहुत ही कम श्रद्धालु उनकी शरण में आए थे, क्योंकि वो ज्ञान पहले वो हिंदू धर्म में जन्मे थे नानक साहब जी, और फिर उसके बाद ये हमारा मार्ग तो एकदम विपरीत है, उस समय लोग शिक्षित थे नहीं, तो उनके मार्ग को स्वीकार करने वाले उस समय बहुत कम थे। जिस भी कारण 150 200 जितने भी भक्त आते थे सत्संग छोड़ने के लिए तो गिनती के होते थे और दो चार नहीं आते किसी दिन। तो गुरुदेव पूछा करते थे फलाना नहीं आया भाई क्या बात होगी। जब ये पता लगता था उनको कि वो कोई किसी काम बस नहीं आया तो कोई बात नहीं। और एक दो ऐसे भी होते थे तो दूसरे सिर फिरे संत उनके शिष्य उनको गुमराह कर लेते थे, बहका देते थे। तो वो नानक साहब जी कहते हैं कि जब ये सभी भक्त मेरे वापस आते हैं, क्योंकि संसार के अंदर भक्ति करना बड़ा दुर्भर हो गया है। कारण क्या है कि सत्य ज्ञान देने वाला एक और भ्रमित करने वाले करोड़ों की संख्या में। तो वो कहा करते थे कि साध मिलने साढ़ा साधी होंगी और विछड़ जाए दिलगीरी वे, जब ये यहाँ से जाते हैं तब मुझे मायूसी हो जाती है कि कहीं कोई मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा। इन भोली आत्माओं को मुश्किल से सिरे चढ़ाया है ये ज्ञान मार्ग दे करके और ये सिर फिरे पता नहीं कितने नकली पंथ फिरे हैं और इन भोली आत्माओं को गुमराह ना कर दें। जब ये यूं के यूं आ जाते हैं तब उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि इनका कल्याण हो जाएगा, ये भ्रमित नहीं हुए हैं। साध मिले साढ़ा साधी होंगी, साधी माने खुशी, और विछड़ जाए दिलगीरी वे, जब ये बिछड़ जाते हैं तो मेरे दिल में बड़ा दुख होता है। ये बात सताती रहती है कहीं इन बच्चों को कोई गुमराह ना कर दे, इनका जीवन नाश हो जाए। अख दे नानक सुनो जिहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। इस भक्ति का करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अन्य साधनाएं तो परंपरागत है, उसमें तो कोई ये कहने वाला ही नहीं है कि आप ये ना करो ये गलत है, जो कर रहा है वो ठीक है, हाँ बस बिल्कुल बहुत अच्छा, मैं ये करता हूँ आप क्या करते हो, मैं ये करता हूँ बट ठीक है आप भी करो हम भी कर रहे हैं। और इसमें यह कहना पड़ता है कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा कठिन मुश्किल हाल फकीरी वे, फकीरी माने भक्ति, या भक्ति का करना बड़ा कठिन हो गया है। और जिसमें अब ये ज्ञान तो विश्व में जाएगा और पूरे विश्व को यह ज्ञान सुहाएगा, और जिस समय जब सभी एक रस हम हो जाएंगे, जो भी इस ज्ञान को सुनेगा कुछ ही समय के बाद इसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा किसी को, सभी ये कहा करेंगे अभी ज्ञान तो एक नंबर का है, ज्ञान में कोई कमी नहीं। अब जो इतनी हाँ भरण लग गया, इतना स्वीकार करेगा तो एक दिन वो उपदेश भी लेगा, तो फिर समस्या समाधान हो जाएगी, फिर आसान हो जाएगी या फकीरी, फिर ये सब कोई बाधक नहीं रहेगा। तो उसके लिए ये ज्ञान प्रचार सत्संग में आपको बार बार बुलाना, इसका
उद्देश्य मूल यही है कि आप आते रहोगे, आपका भक्ति में विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप जी को यहाँ बुलाना कोई शौक नहीं हमारा, ये एक अनमोल काम किया जा रहा है। जैसे आप सत्संग में आते रहोगे, आपके अंतःकरण के अंदर थोड़ा बहुत कोई दोष आता है इस ज्ञान से और यहाँ सत्संग से, सेवा से, दान से, सिमरन से, वो फिर से हट जाएगा। अब पुण्यात्माओं, आप तो हो बालक, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और माता क्या करती है, बच्चा गली में खेल रहा होता है और अपने साथियों में बड़ा मस्त होता है, माँ को पता है कि इसको दूध खाना खिलाने का, दूध पिलाने का समय हो गया, वो उसके उठा के लाती है, आजा बेटा दूध पी ले, वो कहता नहीं नहीं मैं खेल रहा हूँ। अब उसको पता है कि दूध पिलाना इसको अनिवार्य है, कमज़ोर हो जाएगा बेटा नहीं तो, तो उसको उठा के लाती है और उसको कहती है ले दूध पी, या जो भी आहार कराती है, तो वो जल्दी जल्दी दूध भी पी रहा है, दूध पीते है, उसके मन में नूर है बस छोड़ दे मम्मी एक बार, मैं वही जाऊंगा बच्चों में खेलूंगा, तो पिला के दूध उसको छोड़ देती है, जा खेल ले, और दूध के समय फिर बुला लेती है उसको, फिर दूध पिला देती है। तो इस प्रकार उस माँ को पता है कि ये ऐसे समय पर आहार करता रहेगा तो मेरा बेटा मेरी बेटी दुबली ना होगे, ये बच्चे दुबले ना होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, और ये अच्छी तरह इनकी परवरिश होकर के युवा हो जाएंगे। तो आप एक बालक हो और दास उस परमात्मा का भेजा हुआ, आप उस परमेश्वर का नौकर है, आप उसके बच्चे हो, बेटा बेटी हो, दास की सेवा लगा रखी है कि आपकी परवरिश करूँ इस आत्मा की। आत्मा का दूध है सत्संग, ये ज्ञान और ये मंत्र भक्ति। आपको यहाँ बुलाया जाता है और थोड़ा प्रतिबंधित भी किया गया है कि प्रथम मंत्र के बाद सतनाम तब प्राप्त होगा जब आप चार बार यहाँ अटेंड कर लोगे। उसका कारण क्या है कि जिनको भगवान चाहिए, आपको भगवान चाहिए, प्रत्येक आत्मी आत्मा को भगवान परमात्मा की आवश्यकता है, परमात्मा के लिए इस जीव ने राज त्याग दिए, राज को ठोकर मारकर जंगल में जा बैठे, भगवान मिलना चाहिए और उनको फिर भी नहीं मिला, उनको फिर भगवान भी नहीं मिला, चलो राज भी त्याग सकते हैं जब ज्ञान की प्रेरणा होगी, क्योंकि उन महापुरुषों जिन्होंने राज त्यागा उनको भी कोई संत मिले, सत्संग सुनाया, उनकी आत्मा में प्रेरणा हुई कि सचमुच काम तो ये है करने का। तो यहाँ सत्संग में पहले आपको प्रेरित किया जाता है कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो और इसी को फाइनल मान चुके हो, इस मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं है, इसके साथ साथ एक और वेरी इंपॉर्टेंट जॉब है आपकी, एक और बहुत ज़रूरी काम है, परमात्मा की भक्ति करना, दान धर्म और सेवा करना, और फिर आत्म कल्याण करा के सतलोक में जाना, जहाँ जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर भी जो भक्त प्रेरित हो जाते हैं, तो ये वही आत्मा है जो राजाओं की थी, उनको किसी ने प्रेरित किया और पिछले संस्कार अच्छे थे, राज त्याग दिए। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि परमात्मा जब आपको लालच होगा भगवान का और आपकी आत्मा में ये समा जाएगा कि भक्ति बिना गुजारा कति नहीं, भगवान मिले पीछा छूटेगा, इतना हम ज्ञान करा देते हैं आपको, तो उस समय आप एक दो बार आने के बाद फिर आप रोक के नहीं रुक सकते, वहाँ पर सत्संग में आए बिना आपको ऐसा ज्ञान करा दिया जाएगा। तो फिर भी आप यहाँ आते हैं सत्संग सुनने के लिए, आपका ध्यान रहता है वहाँ कि चल वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, फलाना काम है, ठीक है, तो एक स्वभाव बना हुआ है, एक हमारी मजबूरी है, जब तक इस संसार में रहेंगे इतना ध्यान और भविष्य की जो हमने अपनी प्लानिंग है वह बनानी ही पड़ती है। लेकिन अब आपको कोई एक दिन रुकता है, कोई दो दिन रुकता है, कोई तीनों दिन भी रुक जाता है, आप जी को ये दास उस माँ की तरह दूध पिला देता है और फिर छोड़ देता है, जग
खेलाओ तुम अपना उस खिलौनों से और फिर आ जाना और आके फिर आपको परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार आपकी आत्मा मैच्योर हो जाएगी, युवा हो जाएगी, भक्ति से युक्त हो जाएगी, फिर आप पर आने वाली आपदाएं बंद हो जाएंगी क्योंकि पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य आपकी वृद्धि कर जाएंगे, फिर आपके ऊपर काल का कोई दबाव नहीं रहेगा, आपकी आवश्यकताएं पूर्ति परमात्मा करन लग जाएगा, फिर आपने ना चोरी करने की जरूरत पड़े, ना रिश्वत की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई और अटपट करके निर्वाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि नाम पर और मर्यादा ठीक से करते हुए निभाते हुए लगे रहे तो। और फिर हम परंपराओं को कम करेंगे, खत्म करेंगे। अब जैसे पुण्य आत्माओं ये त्यौहार मनाए जाते हैं, एक भक्त कह रहा था, एक नहीं बहुत से ऐसे भक्त हमें मिलते हैं, एक दो याद रह जाता है, उसने बताया था जब दीक्षा लेने आए किसी भक्त के माध्यम से साथ आए वो, उन्होंने बताया जी हमने आज 10 वर्ष हो गए कोई त्यौहार नहीं मना लिया, कारण क्या है कि कभी तो हमारा एक 5-4 मेरे चाचा ताऊ 5-6 भाई थे, उनमें कभी तो किसी की मृत्यु हो जाती है, कति खास जवान की कोई बहन विधवा हो जाती है या घर का सदस्य मर जाता है, हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्यौहार नहीं बना लिया। तो पुण्यात्माओं अब वो त्यौहार क्यों नहीं मना रहे, और जिनके या बिजली ना गिरी है वो नाचें गावें बकवाद करें, खाक त्यौहार यहाँ पर। यहाँ पर तो परमात्मा कहते हैं कि यदि आपको समर्थ की शरण मिल गई फिर तो यहाँ आप खुशी मना सकते हो, और वो खुशी भी राम नाम में भक्ति में। आपका ये त्यौहार है सत्संग में आना, परमात्मा की भक्ति करो, सेवा करो, सिमरण करो, दान करो जैसा आपके हाथ से छूटे, तो ये आपकी जो है ना त्यौहार है। इसके अतिरिक्त आप क्या देखा दास ने, ये होली मनाते हैं, होली जब से हमें ज्ञान हुआ है हमारे बच्चे भी नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों में रहते हैं, उस दिन बाहर नहीं निकलते क्योंकि समाज में ये ज़्यादा परंपरा प्रचलित है, तो उस दिन क्या करेंगे, गंदा पानी, रेत, गार, गाँव में मतलब बहुत बुरा हाल है, और लाल मुंह कर लेंगे बांदर की तरह, सारे दिन धक्के खांदे अंडे, और हम अपना बैठ कर भजन करें दरवाज़ा बंद करके। जैसे अब ये आएगी क्या नाम पूर्णमासी, रक्षाबंधन कहते हैं, सारी उल्टी परंपरा काल की। एक बहन बता रही थी जब दीक्षा ली उसने, और ये उसको ये सब मर्यादाएँ बताएगी, सत्संग सुनाए जाते हैं, पहले थोड़ी संगत थी, 100-200-400 भक्त आ जाते थे, बैठ जाते थे, सब अब अपनी सुनाया करते थे मेरे पास बैठ कर। तो एक बहन कह रही थी जी आप, पहली बार तो मैंने दुख हुआ था इस बात का जब ये सुना कि भाई रक्षाबंधन भी भाई का नहीं बांधना है, तो अब मुझे पता चला कि मैं रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के रक्षा बांधने के लिए गई थी, रक्षाबंधन राखी बांधन खातिर गई थी, और मेरा भाई किसी कामवश मोटरसाइकिल पर गया हुआ था और उसकी इंतज़ार कर रही थी। अब क्या हुआ कि शाम के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया मेरा भाई, मृत्यु होगी, और उसका शव आया। ओए होए, अपने आत्माओं हम रक्षाबंधन किस लिए बांधते हैं भाई के बहन कि हमारी रक्षा करे। अब जब वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सके, अब बहन की रक्षा कहाँ से कर देगा। जो रक्षा करने वाला है परमात्मा का रक्षाबंधन बांधो, और उसका रक्षाबंधन है पुण्यात्माओं, उसका नाम लो, उसकी शरण में आ जाओ, भाई की भी रक्षा और बहन की भी रक्षा, बच्चों की भी रक्षा, अपनी भी रक्षा, पति पत्नी की भी रक्षा। तो हम भूल चुके हैं इन परंपराओं में, परमात्मा को भूल गए और अपने ही इस मकड़ी वाले जाल में फंस कर जीवन नाश कर जाते हैं। तो पुण्यात्माओं इन परंपराओं से हमने वापस होना पड़ेगा और उसी मार्ग पर आए
हम जैसे सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के अंदर ज़्यादा सामान लेकर के नहीं चला जा सकता। तो ये जितनी परंपराएं हैं ये हमने लाज रखी हैं बेमतलब की, इनसे हल्का होकर ही हम इस सफ़र पर सफल होंगे और इनको हटाना होगा। अब आप देखते हो कोई भी त्यौहार है, 2 किलो मिठाई लेकर कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, और एक परंपरा बना दी कि इतना सामान तो उस दिन लेके जाना पड़ेगा, वो मिठाई वो घेवर जो भी ले जाते हैं वो कैसा बनता है, इतनी जनता को एकदम कहाँ से लाएंगे, वो इतना खोआ मावा बना करके सारा डुप्लीकेट माल अड़ंगा खाना। तो पुण्यात्माओं, पहले तो इस लोक में ये खुशी मनाने का स्थान नहीं है। हाँ, परमात्मा कहते हैं समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, फिर कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, आपके होरी माने खुशी, आपके घर में अगर खुशी मनानी है तो समर्थ की शरण में आ जाओ, आपके रोज होरी रहेगी। ये सत्संग में आना ये आपकी होली है, यही आपकी दीपावली है और यही आपके सारे त्यौहार हैं। कहते समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, फिर कभू ना हो अकाज, कोई आपका बुरा नहीं होगा, राम रंग होरी हो, राम के नाम की या खुशी बनाओ फिर। तो इस प्रकार हमने इन अपनी मर्यादाओं को भी सीमित करना है और भक्ति तभी हमारी सफल होगी। अपुण आत्मा क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहा करते के चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हे लरे, ईरे माणिक मोती बरसें, ये चग चुगता डेल रे। परमात्मा के बताते हैं कि चारों युगों में जिन महापुरुषों को जिन संतों को मैं मिला, उन्होंने मुझसे प्राप्त इस यथार्थ ज्ञान का सब जगह प्रचार करने की चेष्टा की और मैं भी आकर के ऊंचे स्वर में सबको आवाज लगा लगा कर सुनाता हूँ, कबीर परमात्मा जी ये हमारे मालिक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हम सभी के जनक हैं और ये हमारे लिए भटक रहे हैं, ये हमारे लिए तड़फ रहे हैं कि ये फंस गए काल के, और यहाँ कोई जीवन है इनका, मनुष्य जीवन में सुखी नहीं, फिर गधे कुत्ते सुअर बनकर कहाँ क्या आहार करोगे, कहाँ पढ़ोगे, कहाँ रहा करोगे, और यहाँ पता नहीं कब क्या हो जाए इस परिवार। आज हम बड़ा पूरा परिवार है, खुशी का ठिकाना नहीं है, बच्चे हैं, ब्याह हो गया, अच्छी रोजगार है, खुशी है, अरे एक मिनट में ना जाने घर के 3-3 सदस्य इकट्ठे मर जाते हैं, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं दुर्घटना में। तो परमात्मा कहते हैं काल ने तुम्हारी रोल बार रखी है, काल ने तुम्हारे को मूर्ख बना रखा, भ्रमित कर रखा, तुम इतना ही दिखा है, तुम इससे आगे दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा हमारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए आते हैं और कहीं भी खड़े होकर के आवाज़ लगाने शुरू कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। ये आत्मा भटक रही है, परमात्मा को रोती फिर रही है, हे समर्थ, हे सर्व सुखदायी, हे सब पापों के नाश करने वाले, हे सब संकटों के दूर करने वाले, काटने वाले भगवान, हमें सुख दे। प्रधानमंत्री के सत्र का काम और पटवारी का एप्लीकेशन लगा रहे हम, कहाँ जाते हैं मंदिर में मूर्ति पर या मस्जिद में बैठकर करते हैं या कहीं और जैसे चर्च में गुरुद्वारों में या किसी देवताओं को हम अर्जी लगाते हैं, तो वो अर्जी वो भले ही आपकी अर्ज सुन रहे हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते।
समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कबू ना हो अकाज राम रंग होरी हो, तो समर्थ की शरण में जाने से हमें लाभ होगा। तो वो परमात्मा कहते हैं कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रहे हैं, ये सारे सुख देने वाले, हमारे सब संकट का निवारण करने वाले तीनों ताप के नाशक, हे परमात्मा आप हमें सुख दो। लेकिन जहाँ अर्जी लगानी चाहिए थी वहाँ अर्जी हमारी पहुँच ही नहीं पा रही, हमने उसको पता ही नहीं कि ये कहाँ अर्ज करें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आप मेरे लिए भटक रहे हो और मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, हमारे इस वियोग को, हमारे बीच में जो ये दीवार खड़ी कर दी अज्ञान की, इसको कोई समझ नहीं सकता। तो उसके लिए परमात्मा ने इस दास को भेजा है आत्मा और परमात्मा का मेल कराने के लिए और बीच से इस अज्ञान का नाश करने के लिए। तो अब ये ऐसा ज्ञान है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान मलाई बनाकर और अपना रख गए थे भगवान। लेकिन पुण्यात्माओं, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर दुहावली, कबीर शब्दावली, ये तो एक समझो वन है, वन एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। और वेद क्या करता है, उस फॉरेस्ट से जो आवश्यक जड़ियाँ होती हैं वो चुन लेता है और उनकी जड़ी बना लेता है और फिर रोगी को खिला देता है, दो खुराकों में उस औषधि से वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये कबीर सागर परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान, ये अथा ज्ञान है, ये तो एक फॉरेस्ट है, इसमें हर प्रकार की जड़ी वो हैं, पौधे पेड़। और इस दास को पारखु वैद बना दिया, दास ने वो निकाल ली अनमोल रतन, इसके अंदर वो जड़ी बूटियां भगवान इसी में बीज के चले गए थे। अन्य कबीर पंथियों को उनका पता नहीं लगा क्योंकि वो वैद नहीं थे, वो नकली वैद का बोर्ड लगा रखा था उन्होंने, वो समझ नहीं सके इस अनमोल ग्रंथ को। तो पुण्यात्माओं वो जड़ी ईब दास ने निकाल ली है और आपके लिए दे दी है। तो अब आप परमात्मा को पहचानोगे, उसके लिए सारा कुछ किया भी स्वयं ही है परमात्मा ने। कहा था 600 वर्ष पहले जब धर्मदास जी बहुत व्याकुल हो गए थे, धर्मदास जी को आप खूब समझते होंगे, धर्मदास जी आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी थे। और विचार करो पुण्यात्माओं, जिसके साथ भगवान रहे साथ साथ फिरे उससे पुण्यात्मा कौन होगा, साथ रहे। लेकिन हम समझ नहीं सक पाए क्योंकि परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। धर्मदास जी के साथ भगवान रहे और ऐसे ऐसे लीला करके दिखाई जो भगवान ही कर सकता और कर ही नहीं सकता, और फिर भी बुद्धि कामना करी, धर्मदास जी की आंखों देख भी आया कि वहाँ से सचमुच ये परमात्मा है, हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, उसके बाद भी मोहवश इतना अंधा हो गया। जब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख दोहाई, धर्मदास मेरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए, जो मैंने तुझे ज्ञान मूल ज्ञान दिया है, वास्तविक ज्ञान दिया है, इसका अभी कहीं चर्चा ना करना। और फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दोहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए, सार शब्द बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीत रही। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि ये ज्ञान और ये नाम जो तीनों मंत्र हैं, सतनाम और सारनाम, ये तीन मंत्र का एक जाप बन जाता है, ये आप किसी को नहीं बताना, खुद मंत्र जाप कर ले और इससे मोक्ष होगा, इसके बगैर मोक्ष नहीं हो सकता प्राणी का, अधिकारी संत से प्राप्त लेना पड़ेगा। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी ने ये भी देख लिया कि समर्थ है ये तेरे साथ खड़ा, सतलोक में भी देख आए, वापस आ लिए, फिर भी उसके मन में मोह इतना छा गया, रोन लग गया बैठ के, परमात्मा ने कहा क्यों मायूस हो गया भाई भगत। तब वो क्या कहता है कि भगवान आपने स्पष्ट कर दिया कि इन मंत्रों के बगैर मोक्ष नहीं, ये जो मंत्र आप बता रहे हो सतनाम और ये सारनाम, ये तीन मंत्र का जाप है, इसके बगैर मोक्ष नहीं। और ये मेरे बच्चे, आपने मेरे को 42 पीढ़ी का
जो है ना वरदान दे दिया, 42 पीढ़ी मेरा वंश चलेगा तो मेरे बच्चे पार कैसे होंगे, यूं कहकर रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू अंधा मत हो, यदि ये ज्ञान और ये नाम आपने इनको बता दिया, आने वाले समय में तेरे इस पंथ में तेरे वंशजों को काल ठगेगा और इनको भ्रमित कर लेगा, अपने दूत भेज देगा, उन दूतों को ये हाथ लग गए मूल मंत्र तो बिचली पीढ़ी मैं सबको पार करूँगा विश्व को, तो ये पार नहीं हो पाओगे भाई, मेरा मिशन खराब हो जाएगा, मेरा सारा दाव नष्ट हो जाएगा जो मैं लगाना चाहता हूँ। तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाई।